हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ फातिमा एंड यू आर वाचिंग फातिमा ब्यूटी चैनल। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं, दिस इज़ समर टाइम एंड समर्स के लिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सिंपल सी होम रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज़ करते आप अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हो, अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकते हो और अपने आप को वेल मेंटेन रख सकते हो इन समर। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर वीडियो एंड येस प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। तो एलोवेरा जेल के बारे में तो आप सबको ही पता होगा कि एलोवेरा जेल कितना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन में से डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और एक्नी को ट्रीट करता है, सनबर्न को ट्रीट करता है। इसके अलावा हमारी स्किन का जो ग्लो है उसको एनहेंस करता है और इसके अलावा एंटी एजिंग भी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस हैक में चाहिए होगी एक एम्प्टी बॉटल और इसके अलावा एलोवेरा जेल चाहिए। सो हम बनाएंगे एलोवेरा जेल का टोनर और बहुत सुपर क्विक और सुपर इजी रेमेडी है ये। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और मैं यहाँ पे बायो शॉप का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। सो हमें इसको क्या करना है, एम्प्टी बॉटल जो है हमारी स्प्रे बॉटल उसमें इसको डालना है। उसके अलावा हमें चाहिए होगा तकरीबन जो है ना 2 to 3 टेबल स्पून रोज़ वाटर। सो मैंने अभी इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा वाटर, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, सो वो हमें चाहिए होगा तकरीबन 1/2 कप। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया था, कैमरा फोकस करने के चक्कर में थोड़ा सा पानी जो है ना वो गिर गया था। सो रियली सॉरी अबाउट दैट, बट ये कि इन दी एंड सब सही हो गया। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप लिया है वाटर का और हमें क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से फिर बंद कर लेंगे अपनी स्प्रे बॉटल को और इसको जो है ना हम अच्छे से शेक करेंगे ताकि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी आपस में मिक्सअप हो जाएं। सो हियर यू गो, आपका जो है ना DIY एलोवेरा जेल फेस टोनर रेडी है। अब हमें इसको अपने स्किन पे स्प्रे करना है और द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको फ्रिज में रख के फिर जो है ना डेली बेसिस पे स्प्रे करो। अच्छा, इसमें आप मज़ीद एक एडिशन कर सकते हो, जो टोनर मैंने आपको बनाना सिखाया है अभी उसको आप आइस क्यूब ट्रे में रख के फ्रीज़ कर सकते हो और जब भी आप बाहर से आओ या अगर आप घर में भी हो तो डेली बेसिस पे आप अपनी स्किन पे जो है ना इस आइस क्यूब को रब कर सकते हो स्लोली और इससे मसाज कर सकते हो अपने फेस पे। तो बिलीव मी, आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। इससे जो है ना आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपके पोर्स पर ओपन पोर्स का इशू है तो इससे वो भी रिजॉल्व होगा और अगर आपके स्किन पे इन्फ्लेमेशन है, जैसे गर्मियों में हमारे स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके अलावा हमारे स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं, हमारी स्किन बहुत इची हो जाती है, तो उससे ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। और इसके अलावा हमारे स्किन पे जो एक्सेस सेबम प्रोड्यूस होता है समर्स में तो ये उसको भी कंट्रोल करेगी। सो दिस इज़ रियली बेस्ट फॉर समर्स, डू ट्राई दिस। सो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ जो कि है मुल्तानी मर्द मास्क। और मुल्तानी मर्द मास्क जो है वो बहुत बेनिफिशियल है समर्स के लिए स्पेशली। सो क्विक आपको इसके मैं कुछ बेनिफिट्स बता दूं कि ये एक्नी से फाइट करता है और इसके अलावा जो डर्ट टॉक्सिक एंड ग्राइम हमारे स्किन पे प्रोड्यूस होता है ये उसको क्लियर अप करता है, हमारी रेड स्किन को रिमूव करता है, इसके अलावा हमारी स्किन को क्लियर करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, लाइटन करता है हमारे एक्नी स्कार्स को और पिगमेंटेशन को, इसके अलावा सन टैन को भी रिमूव करता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुल्तानी मर्द मास्क। सो मैं यहाँ पर जो मर्द मास्क यूज़ कर रही हूँ वो बायो शॉप का है और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी तो आप चेक कर सकते हैं इनका ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर दराज पर, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टोनर जो मैंने एलोवेरा जेल का बनाया था और इसके अंदर रोज़ वाटर भी है, एलोवेरा जेल भी है। सो ये बेस्ट रहेगा इस मर्द मास्क के लिए। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है ना 2 टेबल स्पून शामिल किया है और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी आप चाह रहे हो, लेकिन अभी जो है ना इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी तो नॉर्मली जो है ना तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इट्स टोटली ओके। सो अब हम इसको जो है ना मिक्सअप करेंगे
और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो है ना ये एक पेस्ट बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको मिक्स कर लिया। और अच्छा, इनके जो मड मास्क है ना उसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी जो है ना काफ़ी अच्छी है। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कोई मड मास्क चाहिए समर्स के लिए आप बायोशॉप से ज़रूर परचेज़ करो। एंड यहाँ पे अब मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे और इवनली अप्लाई करेंगे ताकि जो इसकी लेयर है ना वो इवनली हमारे स्किन पे स्प्रेड आउट हो जाए और रिज़ल्ट हमें जो मिले वो एकदम ऑसम मिले। ये काफ़ी अच्छा है, इसके बेनिफिट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताएं। आप ये वाला हैक लाजमी ट्राई करो, समर्स के लिए बेस्ट है और मुल्तानी मड जो है ना वो आपके स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। और आप समझे ये एक मैजिकल क्ले है जो आपकी स्किन को जो है ना ट्रांसफॉर्म कर देती है। डू ट्राई दिस हैक। लेट्स मूव ऑन टू अवर हैक नंबर 3। एंड इसमें हम बना रहे हैं कॉफ़ी मसाज क्रीम प्लस मास्क प्लस स्क्रब। ठीक है, ये 3-in-1 रेमेडी है और काफ़ी इफेक्टिव है, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉफ़ी, और इसके अलावा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1/2 टेबल स्पून आलमंड ऑयल। और कोशिश कीजिएगा कि कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल यूज़ करें वरना आपके पोर्स को क्लॉक कर देगा। ठीक है जी, अब हमें चाहिए होगा इसके अंदर एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल जो है हमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून चाहिए होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इनको मिक्स कर लेना है और ये एक जो है ना क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर थोड़े बहुत जो है ना एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स भी होंगे। हमें क्या करना है, पहले इससे अपने स्किन को तकरीबन 2-3 मिनट्स अच्छे से मसाज करना है, जिससे हमारे स्किन पर ये मसाज क्रीम की भी वर्क करेगा और इसके अलावा एक्सफोलिएशन का भी काम करेगा। उसके बाद हमें इसको छोड़ देना है लगा के, और जब ये सूख जाएगा तो फिर हम अपना फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है। बिलीव मी, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं। और ये जो है ना हमारे स्किन में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। इसके अलावा डेड स्किन को रिमूव करती है। कॉफ़ी इसके अंदर जो कैफीन कंटेंट है ना वो हमारे स्किन में जो ब्लड फ्लो है उसको स्टिम्युलेट करता है, हमारी स्किन को ये टाइट करती है, एक्नी को भी रिमूव करती है। इसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। और अगर आपकी स्किन जो है वो सन डैमेज हो गई है यूवी रेज से सन की, ये उसको भी रिपेयर करती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैक फॉर समर्स। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। और बिलीव मी गाइज, ये इंस्टेंट आपको आपके स्किन पर रिज़ल्ट देगी और ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, और इसमें मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ राइस क्रीम। और ये बहुत अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, बहुत समर्स के लिए बेस्ट है, और इससे आपकी स्किन एकदम वाइट हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी और एक ग्लास लुकिंग स्किन हो जाएगी एकदम। और पर्सनली मैं इसको यूज़ करती रही हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और इसमें जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो अगेन बायोशॉप का राइस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑर्गेनिक है और ये बहुत फ़ाइन पाउडर है। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना वो जो हार्श पार्टिकल्स होते हैं ना वो नहीं है। आई रिकमेंड कि आप अगर ये बनाओ तो बायोशॉप वालों को यूज़ करो, काफ़ी बेस्ट है। मैंने 3 टेबल स्पून लिया है राइस पाउडर, इसके अंदर मैं 1/2 टेबल स्पून जो है ना मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी इवियन के कैप्सूल्स, और इसमें तकरीबन जो है ना 2 कैप्सूल ऐड करने होंगे हमें। मैं अभी एक कंटेनर बना रही हूँ, मतलब जो एक क्रीम का नॉर्मल साइज़ वाली बॉटल होती है ना, ठीक है, उतना बना रही हूँ। आप भी जो है ना अपने हिसाब से इसको बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, तो ये जो है ना बेस्ट है। अब मैंने इसमें दूसरा कैप्सूल भी शामिल कर दिया है इवियन का। एंड इसके अलावा हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। इसके अंदर जो मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल शामिल कर रही हूँ। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ना मिक्सअप करना है। यहाँ पर मैंने जो है ना बैक कैमरा इसको मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हो उसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है और कितनी क्रीमी फॉर्म में जो है ना ये हमारी राइस क्रीम तैयार हुई है। और अब हमें क्या करना है, हमें अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना है, उसको टोन करना है, उसके बाद हमें ये क्रीम लगानी है। बेस्ट टाइम इसको लगाने का है कि आप रात में इसको लगा के जो है ना सो सकते हो और सुबह अपना फेस वॉश कर सकते हो, या अगर आपको थोड़ी सी टाइटनिंग फील होती है अपने फेस पर
तो आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा के फिर अपना फेस जो है ना नॉर्मल वाटर से वॉश करके भी सो सकते हो, नो इशू। लेकिन ये ऑर्गेनिक है तो आप इसको अगर पूरी रात भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, बट ये है कि ये आपकी स्किन में ना बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत ही आपके स्किन जो है ना वो एकदम ग्लास लुकिंग स्किन हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, उसमें ग्लो आ जाएगा। और ये जो है ना समर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि जो राइस होता है ना वो विटामिन ए सी एंड ई से इन्रिच्ड होता है, इसके अंदर जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और ये अगर हमारे स्किन पे एक्नी होता है ना तो इनको हील करता है, हमारे जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है, हमारे स्किन को ब्राइट करता है और ग्लोई बनाता है। सही है जी। इसके अलावा हमारी जो स्किन है ना वो अगर उस पर सन डैमेज होती है तो उससे हमारे स्किन को सूथ करता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन को ये मैटिफाई करता है और हमारे स्किन का जो बैरियर होता है ना उसकी हेल्थ को ये मेंटेन करता है। सो दिस इज़ वेरी बेस्ट, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको जो है ना स्टोर भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी क्रीम का जार है सो यहाँ पे मैं इसको जो है ना अब स्टोर कर रही हूँ। सो गाइज डू ट्राई दिस हैक। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट हैक एंड वो है शीट मास्क के बारे में। सो इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि शीट मास्क आप लाजमी तौर पे जो है ना अप्लाई करो और वीक में एक दफ़ा तो ज़रूरी करो, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, ठीक है। हमारे स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है हमेशा और इससे आपकी स्किन जो है ना एकदम से जो है ना हाइड्रेट हो जाती है, ग्लोई हो जाती है और उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है, प्लम्प हो जाती है, जूसी हो जाती है और ये हमारे स्किन को जो है ना उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है, उसमें हाइड्रेशन को जो है ना ये लॉक कर देता है। सो ये बहुत अच्छे हैं और मेरे पास बायो एक्वा वालों के हैं, मैंने ये दराज से परचेज़ किए थे। सो जो मैं अपना दराज का हॉल शेयर करूँगी ना तो उसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप भी जाके ये परचेज़ कर सकते हो। ये सुपर अफोर्डेबल शीट मास्क हैं और इनके रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छे हैं और ये आपके स्किन को जो है ना इंस्टेंटली रिजनोवेट कर देते हैं और आपकी स्किन पर जो है ना एक अच्छा वाला ग्लो आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ और ये है सनब्लॉक। सो सनब्लॉक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एवरी सीज़न बट स्पेशली इन समर्स, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो समर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना सन के कॉन्टेक्ट में आ जाती है क्योंकि सन की जो रेज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं और उनकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो डबल हो जाती है। सो हमें क्या करना है, हमें सन ब्लॉक लाजमी तौर पे अप्लाई करना है अपनी स्किन में समर्स में, जब भी हम बाहर जाएं, अगर हम घर पे भी हैं तो भी हम अप्लाई करेंगे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में। सो हमें क्या करना है, 2 फिंगर्स पे अपना सन ब्लॉक को लेना है और अपने फेस पे अप्लाई कर देना है और अच्छे तरीके से जो है ना इसको अपने फेस पे अब्सॉर्ब कर लेना है। सो बिलीव मी आपके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी स्किन हमेशा यूथफुल रहेगी। इससे हमारे स्किन पे जितने भी स्कार्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, मेलेज़मा का इशू है, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा और फाइन लाइंस वगैरह ये सब हट जाएंगी और इसमें एंटाइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। और ये यूवील का जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त सनब्लॉक है और ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है। सो गाइज मस्ट यूज़ सनब्लॉक इन समर्स। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट हैक और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गर्मियों में आप लोग बहुत कम मेकअप करें, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है कि हम जो भी मेकअप यूज़ करते हैं ख़ासतौर पर ऑयल स्किन वाले, सो स्किन पे से मेकअप जो है ना वो एकदम बह जाता है और अजीब सी स्किन लगने लग जाती है ना। सो आई रिकमेंड कि आप मेकअप को कम से कम यूज़ करो, लेकिन अगर करो तो फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो बहुत लाइट वेट हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना मिस रोज़ की बीबी क्रीम है और ये काफ़ी अच्छी है और बहुत लाइट वेट है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता इसको लगा के कि आपने कुछ अप्लाई किया है, ये बिल्कुल आपके स्किन टोन से ना मैच कर जाती है और बहुत नेचुरल लुक देती है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो है ना टेक्सचर दिखा देती हूँ और इसको अपने स्किन में जो है ना अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। तो ये जो शेड है ये लाइट शेड में है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, बहुत नेचुरल रिज़ल्ट देती है और हमें समर में नेचुरल रिज़ल्ट ही चाहिए होता है। ऐसा रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी समर्स में कि वो एक एक्स्ट्रा ही लेयर आपके स्किन पे नज़र आ रही हो, सो दिस इज़ नॉट गुड। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप या तो फिर टिंटेड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो अगर आपके पास बीबी क्रीम नहीं है, और इसके अलावा अगर टिंटेड मॉइस्चराइज़र भी नहीं है तो टिंटेड सनस्क्रीन आती है, आप वो अप्लाई कर लो, ऑर्गेनिक ट्रेवलर की जो है ना वो बेस्ट है
और आप इस तरीके के लाइट वेट प्रोडक्ट अगर समर में अप्लाई करोगे अपने स्किन पे, तो आपके स्किन जो है ना उससे बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखेगी, नेचुरल दिखेगी, और आपकी स्किन जो है ना वो ब्रीथ कर सकेगी, ठीक है। उस पर बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है ना अगर आप एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट लगा लेते हैं मेकअप। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट के समर्स में आप बहुत कम मेकअप यूज़ करो, या जो प्रोडक्ट मैंने सजेस्ट किए हैं वो यूज़ करो। सो जनाब, चलते हैं हम नेक्स्ट हैक की तरफ, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी हाइजीन के बारे में। और आप लोगों को जैसे पता है कि गर्मी आ गई है, और गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपको स्वेटिंग होती है और आपके पास स्मेल आती है ना, तो ख़ुद भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, और जो आपके आसपास लोग होते हैं ना वो भी अच्छा फील नहीं करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप जो है ना अपनी हाइजीन का ख्याल रखो समर में। और ये जो रोल ऑन है फाका, ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है, इस तरीके का रोल ऑन आप यूज़ करो, और ये आपके स्वेट को कंट्रोल करते हैं, और जो भी स्मेल होती है आपकी वो नहीं आती है पसीने की आपके पास से। एंड इसके अलावा आप लोग जो है ये वाले परफ्यूम्स भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जो है ना जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है, और इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा लास्टिंग होती है। सो रोल ऑन यूज़ करने के बाद आप इस तरीके के जो इतर होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, और ये वाला काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। सो आई रिकमेंड कि आप अगर नमाज़ पढ़ते हो तो इस तरीके के जो इतर होते हैं नॉन अल्कोहलिक वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को एक क्विक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप परफ्यूम अप्लाई करो, सो उससे पहले अगर आप वैसलीन लगा लोगे तो उससे जो आपका परफ्यूम है ना उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा लास्ट करेगी, मतलब नॉर्मली जितना लास्ट करती है ना तो उससे उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ आपके आपको परफ्यूम अप्लाई करना, जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि जहाँ जहाँ आपको परफ्यूम अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको परफ्यूम अप्लाई करना होता है, हर जगह परफ्यूम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, वहाँ वहाँ पे वैसलीन लगानी है, ख़ास तौर पे हमारे कानों के पीछे, इसके अलावा हमारे गर्दन के बीच में, ठीक है, और रिस्ट पे। तो आपको क्या करना है, वैसलीन अप्लाई करने के बाद परफ्यूम अप्लाई करना है, और उसको इस तरीके से जो है ना अपने स्किन में एब्जॉर्ब करना है। सो बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैक। इससे जो है ना आपके परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, और आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा फील होगा, और आपके पास जब अच्छी खुशबू आएगी सो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, जो आपके साथ वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंट पाओगे जब आप अच्छा स्मेल करोगे तो। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो पानी होता है ना वो गर्मियों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना चाहिए, तकरीबन जो है ना 9 से 10 ग्लास लाजमी तौर पे आपको इनटेक करने चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी ना समर्स में, तो इंटरनली भी जो है ना आपकी जो हेल्थ है वो इससे डिस्टर्ब होगी, और इसके अलावा जो है ना आपको काफ़ी टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं हेल्थ वाइज। सो मेक श्योर कि आप जो है ना अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखो समर्स में, और एटलीस्ट जो है ना 10 to 9 ग्लासेस आपको लाजमी टेक करना है समर्स में, ठीक है, और ये जो है ना बहुत अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। तो गाइस, चलते हैं लास्ट हैक की तरफ, और वो है टोमेटो के बारे में, जो कि एक डिलीशियस समर फूड है। हमें करना क्या है, हमें रोज़ाना एक टोमेटो डेली इनटेक करना है अपनी डाइट में, चाहे तो आप उसको खाने के साथ खा लो या फिर शाम में खा लो, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो दिस इज़ रियली बेस्ट फॉर योर स्किन एंड योर हेल्थ, क्योंकि टोमेटोज़ जो होते हैं वो विटामिन ए एंड विटामिन सी में इनरिच्ड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है ना वो बूस्ट होती है, और स्ट्रेस को रिलीव करता है ये। और अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का इशू है ना, तो अगर हम टोमेटोज़ रोज़ खाते हैं ना तो उससे वो दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करते हो तो ये आपके स्किन को सन डैमेज से बचाता है, और इसको खाने से हमारी जो आईज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं, और स्किन भी। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो समर स्किन केयर हैक्स के बारे में, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें जितनी भी सिंपल रेमेडीज़ हैं, हैक्स हैं, और जो भी टिप्स हैं वो सारी इसमें इंक्लूड करूँ, ताकि आप लोग भी इसको आसानी से अपने घर में
जो है ना बना सको इन रेमेडीज़ को, और इसका जो बेनिफिट है वो ले सको। और अगर आप कोई भी इसमें से हैक ट्राई करते हो और उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है ना, सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसके अलावा मैं इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँगी। सो गाइज़ डू सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।